नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये महीने आपको सम्मान राशि दिया जाएगा। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना लागू किया गया है। तो इस योजना के कुछ नियम एवं शर्त है, वो भी देख लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलने वाले हैं। तो चलिए, क्या नियम एवं शर्त है, उसके बाद ऑनलाइन कैसे होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से किस तरह करने वाले हैं और आसानी से कर पाएंगे, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले नियम एवं शर्त यहाँ पे देखिए, वो झारखंड का निवासी होना चाहिए। ये क्योंकि झारखंड का योजना है भाई, तो आपको झारखंड का निवासी होना बहुत ही जरूरी है, तभी तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, वरना आप नहीं ले पाएंगे। 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु, यानी कि 21 और 50 के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। 50 से अधिक हो जाता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आधार से जुड़ा सीडिंग एकल बैंक खाता। एकल बैंक खाता क्या होता है, कोई जैसे कि उसका उम्र 5 साल से ज्यादा है, 5 साल, 6 साल, 10 साल से नीचे है, तो उनका खाता जब खुलता है बैंक में तो मम्मी या पापा के साथ ज्वाइंट खाता खुलता है। और ज्वाइंट खाता को हम एकल खाता नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ज्वाइंट खाता है, वो अकेले नहीं है, वो अकेला नहीं है, इसलिए एकल खाता नहीं है। ज्वाइंट खुला हुआ है तो एकल खाता नहीं कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मम्मी पापा के साथ अगर खाता ज्वाइंट खाता है तो आपका इस योजना में आप लाभ नहीं ले पाएंगे, आप उसके पात्र नहीं हो पाएंगे। जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ाव नहीं है, वो भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है। यानी कि दिसंबर तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं आसानी से। दिसंबर के बाद अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक कराना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। मतदान पहचान पत्र और आधार कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास दोनों होना चाहिए। झारखंड राज्य के राशन कार्ड धारी परिवार, तो आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए, उसमें से कोई भी कार्ड हो तो चलेगा, जैसे पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, सफेद कार्ड, हरा कार्ड, इनमें से कोई भी राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस योजना का आसानी से लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को मिलेगा, और ये योजना का नाम भी है झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, यानी कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और महिला ही इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई बालिका 21 वर्ष क्रॉस कर रहा है, यानी ज्यादा हो रहा है, उसका उम्र 21 साल हो चुका है, तो उसका आवेदन वो भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत इसमें आवेदन उसका हो जाएगा। तो चलिए, हम चलते हैं सीएससी में, और सीएससी के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है और किस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे। उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर वीडियो लेकर के हम आते हैं, योजनाओं से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रज्ञा केंद्र लॉग इन करें, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर लॉग इन, यहाँ पे देख सकते हैं आधिकारिक लॉग इन यहाँ पे हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रज्ञा केंद्र लॉग इन करें पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सीएससी का आईडी और पासवर्ड डालना होगा, और इसके बाद कैप्चा फिल करके हमें लॉग इन कर लेना होगा। तो चलिए, हम फटाफट लॉग इन करते हैं। तो जैसे ही लॉग इन हो जाता है, कुछ इस तरह से इनकी वेबसाइट दिखाई देती है, जो कि अभी ऑफलाइन होने वाला है। जो भी देखिए, आप लिखा हुआ है बैच एंट्री ऑफलाइन रिसीव फॉर्म, ये फॉर्म जो भी हो रहा है ये ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन के माध्यम से होगा, ये ऑनलाइन सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जो आधार कार्ड का बायोमेट्रिक प्रॉब्लम था वो बहुत ही ज्यादा था, और इस वेबसाइट बार बार क्रैश हो रहा था, जिसके कारण इस योजना को ऑफलाइन कर दिया गया है। और आप आवेदन आसानी से भर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार संख्या मिल जाता है, आपको आधार संख्या भरना है। आवेदक या आवेदिका का नाम यहाँ पे आपको भरना है, पिता या फिर पति का नाम यहाँ पे भरना है, ग्राम मोहल्ला जो भी है आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख लेना है, पूरा एड्रेस, ठीक है, पता मतलब पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे थाना, आपका थाना कहाँ पड़ता है वो भरना है। इसके बाद जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्रखंड, अंचल जो भी होता है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी पड़ता है आपका। इसके बाद पंचायत, वार्ड, जो भी आपका वार्ड पड़ता है, पंचायत पड़ता है, जो भी आपका 25 पंचायत में आप रहते हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैंक खाता यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, अगर लिंक्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक खाता का नाम, शाखा सहित,
बैंक का नाम शाखा सहित, यानी किस शाखा में आपका बैंक खाता है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। इसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड संख्या अगर आपके पास है तो यहाँ पे फिल करना होगा, ये कंपलसरी है राशन कार्ड संख्या। और पैन कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या है तो चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और इसके बाद आ जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस कोटि में आते हैं, अनुसूचित जनजाति, इसके बाद अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में आप आते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो कोटि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं ये हमारे सामने सामान्य सामान्य यानी जनरल में आते हैं तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके बाद आता है जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद आयु यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगी, आधार कार्ड से यहाँ पे जो भी आपके डेटा को पैच कर लिया जाएगा, आपकी उम्र कितना है यहाँ पे डायरेक्ट शो कर देंगे यहाँ पे आयु के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो भी आवेदिका का मोबाइल है नंबर वहाँ पे फिल कर देना है। क्या आवेदिका विवाहित है, विवाहित है तो हाँ, अगर उसका विवाह नहीं हुआ है तो नहीं सिलेक्ट करना है। आवेदिका का स्थिति यानी विधवा, ला तलाकशुदा या परित्यागता लागू नहीं, अगर इनमें से कोई लागू नहीं होता है तो लागू नहीं करेंगे, अगर विधवा है तो विवाह करेंगे, तलाकशुदा है तलाकशुदा। अगर हम अधिकतर लोग को देखें तो यहाँ पे तलाकशुदा यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे, विधवा मिल जाएंगे कुछ, और यहाँ पे परित्यागता ये भी बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इन लागू नहीं होगा, ये पे मोस्ट लोगों को यही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पूछ लेना है, अगर यहाँ पे इनमें से तीनों लागू नहीं होता है तो यहाँ पे लिखेंगे लागू नहीं, पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे संख्या विवरण, इसे घोषणा पत्र, घोषणा पत्र आपको पीडीएफ, तो देख सकते हैं ये फॉर्म है, निःशुल्क है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र, आपको इसको पूरा भर लेना है। आवेदिका का नाम यहाँ पे है, पिता पति जो भी है नाम यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद पता लिखा हुआ है ग्राम मोहल्ला, इसके बाद थाना, यहाँ पे आपको एक फोटो चिपका देना है। इसके बाद प्रखंड और इसके बाद वार्ड, यहाँ पे जिला का नाम लिखना है, मतदाता पहचान पत्र यानी कि मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आधार संख्या यहाँ पे लिखना है, खाता संख्या यहाँ पे लिखना है, आधार खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं हाँ और नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक डिटेल आप, इसके बाद नीचे यहाँ पे फिल करना है, बैंक शाखा का नाम यहाँ पे शाखा सहित लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है, राशन कार्ड संख्या यहाँ पे, पैन संख्या है तो लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद कोटी, आप किस कोटी में आते हैं, यहाँ पे एस सी एस टी या फिर ओबीसी जिसमें आते हैं या जनरल कास्ट में, जनरल में आते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद आयु, आपकी आयु कितनी है यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है आप यहाँ पे फिल करेंगे। आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पे, आवेदिका विवाहित है या नहीं यहाँ पे टिक लगाएंगे। आवेदिका की स्थिति, किस स्थिति में है वो, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है तो कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है इसे, ठीक है। और इसके बाद आता है नीचे संकलन, यहाँ पे संकलन प्रति जो जो यहाँ पे आप जमा कर रहे हैं इसके साथ यहाँ पे आपको टिक करना है, जैसे आधार कार्ड जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, बैंक पासबुक यहाँ पे टिक करेंगे, राशन कार्ड पे यहाँ पे टिक करेंगे, मतदाता पहचान पत्र यहाँ पे टिक करेंगे, पैन कार्ड है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पे सब घोषणा पत्र मूल प्रति यानी कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मूल प्रति है, ये भी आप दे रहे हैं यहाँ पे टिक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है, हस्ताक्षर कर देना है, और यहाँ पे तिथि डाल देना है जिस दिन आप कर रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ भी है, उसको यहाँ पे भर लेना है पूरा डिटेल, यहाँ पे देख सकते हैं नाम पता ही है पूरा। और इसके बाद नीचे में आवेदिका का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा लेना है, सत्यापन प्रति यहाँ पे आवेदन दिया गया, यहाँ पे उसी तरह से आपको ये फिल कर लेना है। और यहाँ पे जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, जो जांच करेंगे वो पदाधिकारी उसके पास जमा करेंगे उस समय ये होगा, बाकी बात यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ आपको भर लेना है पूरा और यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपलोड करना है, यहाँ पे ये यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे पीडीएफ को सिलेक्ट करके इसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद घोषणा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।